हेलो भाई, तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर से वापस आ गए हैं। जैसा कि मैं पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ और आपने आगे देखा कि कितनी तेज बारिश हो रही थी, और फिलहाल अभी ना मैं यहाँ पे आई हूँ बिजली का बिल जमा करने। भाई अंदर बिजली का बिल जमा कर रहा है और ये फिर बारिश काफ़ी हो रही थी। जब हम लोग निकले तो उतनी नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से काफ़ी तेज बारिश होने लगी। चलो बिजली का बिल जमा हो गया, अब हम निकलेंगे। और देखिए पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ मैं, तो जो कि मैंने इसको बहुत बचाया है ताकि भीगे ना, क्योंकि ये भीग जाएगा तो टेस्ट मतलब क्या लगाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा गीला गीला महसूस होगा। चलो अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जहाँ भी जाएंगे आपके साथ दिखाएंगे ज़रूर। फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने, और थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करने वाले हैं फिलहाल। मुझे थोड़े बहुत सामान लेने थे तो मैंने कहा देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो मैं ये बॉक्स देख रही हूँ, देखते हैं कैसा होगा। अभी मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं, अभी कुछ भी नहीं लिया, मैं बस देख रही हूँ, जो भी पसंद आ जाएगा ले लेंगे। और मैं सोचती हूँ ना कुछ ज़रूरत का ही चीज़ लो, फालतू चीज़ ना लो तो सही रहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही फालतू चीज़ें ले लेती हूँ। और पता नहीं प्लास्टिक के डिब्बे कैसे, हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं आज शूट कर रही हूँ, मतलब कल वाला वीडियो इसलिए नहीं शूट हो पाया क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट में आए थे और बारिश भी हो रही थी, तो फिर उसके बाद आए नहाना धोना यही सब चलता रहा और फिर हो गया काफ़ी लेट, तो मैंने वीडियो को वहाँ पे एंड नहीं किया। और मैंने कहा इसको नेक्स्ट डे के लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो को ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, और आपको दिखा देते हैं कि क्या सामान लेके आए हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आए हैं, लेने जाते हैं कुछ और, लेके चले जाते हैं कुछ और, बात ये है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब लेके आऊँगी, लेकिन लेके आए हैं, फालतू फालतू चीज़ें लेके आए हैं देखा जाए तो, और कुछ कुछ चीज़ें काम की हैं और सब तो ऐसे ही है। और वैसे मैं लेने गई थी कुछ चूड़ियाँ लेने गई थी, और छोटे मोटे आइटम्स जो कि बहुत घर में ज़्यादा ज़रूरत था उसको लेने गई थी, लेकिन कल था वेडनेसडे और थी मार्केट बंद। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि मार्केट बंद है और आज सारी मार्केट बंद है तो कुछ मिलने वाला है नहीं। चलो फिर हम लोग गए विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से थोड़े बहुत सामान लिए फिर वापस आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, चलो अभी दिखा देते हैं आपको क्या क्या लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो मुझे सबसे प्यारा लगा, सबसे अच्छा लगा, ये तो लगता है कि मुझे मेरे लायक है, और मेरे लायक क्या मतलब यूज़फुल है, तो ये है डस्टबिन जो कि मैं अपने मंदिर में रखने के लिए लेके आई हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई सामान होता है तो मंदिर में जैसे हम पूजा करने गए और छोटा मोटा कचड़ा मिल जाता है तो हम उसको इसमें डाल के रख दे सकते हैं, और फिर हाथ वाथ धुल को फिर अपना जो भी काम है, जैसे फ्लावर्स हो गए भगवान को चढ़ाया तो उसको इसमें रख सकते हैं। कैसा लगा, बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये हमें पड़ा था 79 का था कुछ, 79 हाँ 79 का था ये, और अच्छा है इसका जो प्लास्टिक है ना ठोस है, जैसे मतलब मैं कोई फालतू चीज़ नहीं लाती हूँ और ऐसा नहीं लाती हूँ जो एकदम लूज वाला प्लास्टिक बहुत आता है, तो ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि प्लास्टिक अवॉइड करूँ, लेकिन ये ना मुझे पसंद आ गया था और
डस्टबिन प्लास्टिक में ही था तो प्लास्टिक में ही ले लिया, अच्छा था, तो ये एक लेके आए हैं। और उसके बाद दूसरी भी मेरी यूज़फुल की चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है चकला बेलन, मतलब ये है चौका, रोटी बेलने वाला, तो मैंने इसको ले लिया है फ़िलहाल। और कितना चिकना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितना चिकना है। ये हमें पड़ा है, इसका रेट इसमें लिखा नहीं है। तो उसके बाद लेके आए हैं, तो ये लेके आए हैं एक, मुझे लगता है कि 50 के आसपास ही मिला होगा। और उसके बाद ये भी मैं थोड़ा सा काम की चीज़ ही लेके आई हूँ, ये देखिए एक प्लेट लेके आई हूँ, ये इस तरीके का, ये फूल वाला प्लेट है जैसा कि दिख रहा होगा आपको, है तो प्लेन लेकिन फूल इसमें बना हुआ है इस तरीके का। और ये लेके आई हूँ भगवान जी के लिए, 4 कटोरी लेके आए हैं, जो कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ये हम अपने कृष्ण जी के लिए लेके आए हैं, जब उनको भोग लगाएंगे तो इसी में लगाएंगे तो सही रहता है, कुछ भी हो तो छोटा छोटा सब्जी हो गई या फिर जो भी बनाओ, खीर बनाओ और वो बनाओ, और इसके बाद इस प्लेट में रोटी पूड़ी जो भी बनानी हो उनके लिए उसको बना के फिर हम उनको भोग लगाएंगे। ये तो मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैंने इसको लेना है तो लेना है, तो मैंने इसको ले लिया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि लेके रख लूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है तो सोचते हैं कि यार काश ले लिए होते। उसके बाद फालतू चीज़ ये है, ये देखिए क्या उठा के लेके आए हम, बाल्टी, इस बाल्टी की वजह से मैंने इसको लिया। ये है क्ले, जो बच्चों के काम आता है, तो मैंने इसको ले लिया है। ये पड़ा है 50 रुपये का, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, नंदनी के लिए काम आएगा उसके। उसके बाद ले लिया है कटर, कटर पेपर, पेपर कटर लिया है, कटर पेपर मैं बोल रही हूँ, पेपर कटर लिया है। ये घर में था लेकिन जो उसका ये ब्लेड थी वो टूट गई थी, तो मैंने इसको ले लिया है। और ये हमें पड़ा है 29 रुपीज़ का। और मैंने कटोरी नहीं बताई कितने रुपए की पड़ी, एक कटोरी 15 रुपए की पड़ी है, मैंने 4 कटोरी ली है। और जो प्लेट है वो हमें पड़ी है, ये पड़ी है प्लेट 59 की पड़ी है, मतलब 60 रुपीज़ की पड़ी है। उसके बाद ये लिया है, ये भी यूज़फुल है, ये मैंने किचन के लिए लिया है, जैसे किचन में थाली वाली पोछनी होती है और फिर मतलब साफ़ सुथरा एक दो रहना चाहिए, जो कि किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन के कपड़े वैसे भी साफ़ सुथरे ही होने चाहिए, तो ये हमें पड़ा है। इसका तो लेबल वेबल सब निकाल दिया है, क्योंकि आने के बाद इसको अभी सुबह सुबह ही खोला गया था, कुछ चेक देखा था कि क्या है कितने का है, तो मैं तब दिखा नहीं पाई थी, तो मैंने कहा अभी दिखा देते हैं आपको। और ये गम लिया था, मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ दिखा रही हूँ पता नहीं क्यों, क्योंकि ये किसी काम का था नहीं, वैसे फालतू में ही ले लिया, क्योंकि गम था मेरे पास, भाई को ये पसंद आ गया होगा इसलिए ले लिया। और ये लिए है नंदनी के लिए पेंसिल, तो ये पेंसिल ले ली है उसके लिए, उसको काम लगता है। और एक ये भी काम की चीज़ लिए है, ये है, ये टेप है, जो गम वाला टेप है, जैसा कि कैसे बताऊँ, मुझे तो उतना कन्फर्म यार पता भी नहीं है क्या हो, स्ट्रॉन्ग डबल स्टिक फॉर टेप फ्रॉम टेप है, मतलब ये दीवार पे जैसे कुछ चिप चिपकाना है, तो जैसे हमें कोई फ़ोटो चिपकानी है तो इसको लगा करके फिर फ़ोटो वोटो आप चिपका सकते हो, ऐसा कुछ है। और देखिए कितनी फालतू चीज़ लेके आए हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए लेके आई हूँ कि नंदनी को बर्थडे गिफ्ट में उसको गिफ्ट देने वाले हैं। देखते हैं नंदनी के बर्थडे गिफ्ट में क्या लिया, ये दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो लूडो लेके आए, उसको बहुत ज़्यादा ही मन था लूडो का कि दीदी लूडो ले आओ, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, उसको पसंद है तो उसके लिए ये मैं लूडो लेके आई हूँ। दिख रहा है आप लोग को, ये तो उल्टा दिख रहा है, पूरा उल्टा इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि मैंने कैमरे को फ्रंट कैमरा किया इस वजह से। और देखिए क्या लेके आए हैं, ये हैंकी लेके आए हैं, ये हैंकी मैं मंदिर के लिए लेके आई हूँ। और एक बात और हो गया इसमें कि मैंने सोचा था ये जो हैंकी है ना, ये दोनों एक है, ये दो हैंकी है इसमें, तो मैंने सोचा था कि ये दोनों एक है और बड़ी सी होगी, लेकिन जब घर लेके आया तो खुली हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से पैकिंग में थी। और तो इसको ले लिया है, अब इसको मैं मंदिर में यूज़ करूँगी भगवान जी के लिए, तो जैसे बिछाना है या फिर कुछ और बहुत सारे काम होते हैं यार मंदिर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही चीज़ों की मतलब मैं सोचती हूँ कितना रख लूँ, मुझे पसंद आ जाता है। और ये भी वैसे ही है, तो अगर देखेंगे एक मंदिर के लिए रख लेंगे और एक किचन के लिए रख लेंगे, क्योंकि किचन में बहुत सॉफ्ट टावल है, किचन में भी हाथ वाथ पोछने के लिए काम आ जाता है। उसके बाद ये टावल मैंने लिया है एक, और ये इतना बड़ा मैंने सोचा था कि होगा,
तो ये टॉवल मैंने लिया है अपने लिए, जैसे फेस पोंछने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा है, तो मैंने इसको ले लिया था और मुझे कलर भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। वैसे लाइट कलर की टॉवल ज़्यादातर ना ही लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। उसके बाद एक टॉवल ये लेके आए हैं, ये हम पापा के लिए लेके आए हैं। उसके बाद बस इतना ही सारा सामान लेके आए हैं। और खाने की चीज़ में बताऊँ क्या लेके आए थे, लेके आए थे आम जो कि अभी सीज़न में चल रहा है, तो यही सब चीज़ें लेके आए थे। फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आया होगा। चलो फिर वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं बंद, अभी जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं भगवान जी के लिए भोग बनाने के लिए चली गई थी और यहाँ पर हमने इनका भोग लगा दिया है, अब इसके बाद हम जाएंगे खाना खाएंगे। सो फ्रेंड्स अब वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, कमेंट करना मत भूलना, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे कृष्ण भगवान कैसे लगे, उनका भोग कैसा लगा, आज मैंने उनके लिए खीर सब्जी पराठा और ये बनाया है फ्रेंड्स।